क्या चीन में कोरोना का संकट टल गया है? ये सवाल इसलिए कि पिछले कई घंटों से वहां कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में लोगों को शक है कि चीन झूठ बोल रहा है। शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के वैश्विक संकट बनने से पहले ही चीनी नेताओं ने बीमारी की जानकारी को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती। यहां तक कि कोरोना वायरस को लेकर सबसे पहले सतर्क करने की कोशिश करने वाले चीनी डॉक्टरों को भी खामोश करा दिया गया था। तेज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चीन में सब कुछ सामान्य होने की खबरों की पड़ताल करने की सोची। सवाल यह है, क्या सचमुच चीन ने कोरोना को कर दिया है बाय बाय? चीन के लोगों के दिमाग से दूर जा चुका है कोरोना का भूत? क्या चीन के लोग वापस अपने काम पर लौटने लगे हैं, या फिर चीन अपने हालात को छुपा रहा है? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने की हमने सोची। तेज की टीम ने चीन से आ रही खबरों को खंगालना शुरू किया तो हमें चीन सरकार के चीन में सब कुछ ठीक होने की खबरें तो मिल रही थी, लेकिन चीन के ही कुछ मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आई। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन में लोग अपने काम पर लौटने लगे हैं और सभी कारोबार शुरू हो गए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार सुनियोजित तरीके से सच छिपा रही है। चीन के मीडिया हाउस ने इसे लेकर एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि चीन की सरकार सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए कई पैंतरे अपना रही है। स्थानीय कंपनियां और अधिकारी फर्जी तरीके से बिजली की खपत बढ़ाकर चीन में सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रहे हैं। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि चीन की स्थानीय सरकार कोरोना वायरस से कम प्रभावित इलाकों में कंपनियों और फैक्ट्रियों में फिर से काम शुरू करने का दबाव डाल रही है। औद्योगिक रूप से उभरने के मामले में चीन का झेंजियांग प्रांत की मिसाल दी जा रही है। चीन के टॉप इकोनॉमिक प्लान के मुताबिक 24 फरवरी से यहां 90% से ज्यादा काम शुरू हो गया है। अधिकारियों ने कंप्यूटर्स और एसी ऑन रखने के लिए कहा है। वुहान में अधिकारियों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवरी बहुत ही आसानी से हो रही है, लेकिन वहां के निवासी के हवाले से एक खबर है कि जब केंद्रीय नेता खुद संक्रमण की जांच के लिए पहुंचते हैं तो स्थानीय अधिकारी उनके दौरे के लिए खास तैयारी करते हैं। इस खबर से जुड़ी कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। चीन की सरकार दुनिया के सामने जो खबरें और आंकड़े पेश कर रही है उस पर सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। यह खबरें संदिग्ध हैं क्योंकि चीन का इतिहास रहा है खबरें छुपाने का, लेकिन हमारी तो यही दुआ है कि चीन की सरकार चीन के बारे में जो जानकारी दुनिया को मुहैया करा रही है वो सच हो।